सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कुक विद एसएस को और बेल बटन दबाएं न्यू अपडेट्स के लिए। हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल कुक विद एसएस। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो है वेज फ्राइड राइस। वेजीज राइस और सॉसेस का यूज करके हम इसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी रेसिपी को घर पे इजीली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बीन्स, क्योंकि बीन्स को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पहले हम बीन्स को सौते कर लेंगे। थर्टी सेकेंड्स बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जो मैंने बारीक काट ली है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, पत्ता गोभी उसे भी मैंने बारीक काट लिया है, बारीक कटा हुआ प्याज, और इन सबको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सब्जियों को अच्छे से नहीं पकाना है, क्योंकि इसका क्रंचीनेस हमें अपने वेज फ्राइड राइस में चाहिए, तो हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से सौते करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई ग्रीन चिलीज और उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप बॉइल्ड राइस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। अब हम इसे टॉस कर लेंगे। या फिर करछी से आप इसे चला सकते हैं, लेकिन करछी से चलाते वक्त ध्यान रखें कि आप इसे हल्के हाथों से ही चलाएं, वरना हमारे जो चावल के दाने हैं वो टूट सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे जो हमारे चावल हैं वो अच्छे गर्म हो जाएं और सारे वेजिटेबल्स और जो भी सॉस हमने मिलाए हैं उनके साथ मिक्स हो जाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी वेज फ्राइड राइस। इसे गार्निश करेंगे हम हरा पत्ता प्याज से। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मंचूरियन के साथ खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी वेज फ्राइड राइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।